जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। इस वीडियो के माध्यम से एक और नई वैकेंसी की बात करेंगे, बिहार की एक और नई वैकेंसी जो कि पुलिस विभाग से है। तो गृह विभाग ने लगातार अपने वैकेंसीज को अपडेट किया है, जैसे कि गृह विभाग ने यहां पर मद निषेध सिपाही भर्ती की वैकेंसी ली और दरोगा की वैकेंसी ली। इसके अलावा बिहार में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि 21,000 की वैकेंसी है। बिहार में अभी दरोगा की वैकेंसी 1275 या 88 पदों की वैकेंसी अपडेट होकर आने वाली है जो कि इसी अक्टूबर में आने वाली है। लेकिन कल एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में एक अपडेट दिया है कि ट्रैफिक पुलिस की भी रिक्रूटमेंट कराई जाए और इसकी स्वीकृति दे दी गई है। क्योंकि कैबिनेट के पास प्रस्ताव जाता है उस विभाग से जहां से उनको वो मंजूरी देते हैं, अगर ऐसा लगता है कि हाँ इसके लिए मंजूरी देनी चाहिए। तो अभी फिलहाल देखिए नौकरियों का सेशन चल रहा है और बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है, और यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ पर लगातार बहाली की प्रक्रियाओं को आगे अपडेट किया है। तो एक और नई बहाली का अपडेट, जहां पर 4,000 से भी ज्यादा पद सृजित होने थे उनमें से 849 पोस्ट अभी भी खाली है, जिसको लेकर यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। चलिए आइए खबरों पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखला देना चाहता हूँ। और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो मांग है ना सरकार से नौकरियों की, ये जल्द पूरी कराई जा सके। और इस वीडियो के तरफ से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए ये जितनी भी बिहार में गृह विभाग की वैकेंसीज आ रही है, इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर जल्द बहाली कराने की मांग करता हूं सरकार से। और साफ सुथरा यहां पर मांग है और बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा भी होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप हैं बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार गवर्नमेंट ऑफ, जी हाँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार की यह ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, कैबिनेट का डिसीजन आ चुका है। क्या है ये डिसीजन, इसके बारे में जरा आप भी देखिएगा। 9 एजेंडों पर पूरी यहां पर चर्चा हुई है, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे सिर्फ उस एजेंडे की जहां पर भर्ती की बात होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि गृह विभाग की जब चर्चा होगी तो इस नोटिफिकेशन को यहां से आप लोग पढ़िएगा। गृह विभाग में आरक्षी शाखा को लेकर ये चर्चा हुई है, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के यातायात नियंत्रण, यानी कि ये ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही है, यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 12 जिलों में पूर्व से, यानी कि पहले से उन 12 जिलों में जो सृजित पद है, यहाँ पे सृजित यातायात थाना है, यहाँ पे थाना के अतिरिक्त 28 ऐसे जिले में यातायात थाना का सृजन और उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल 4,215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3,366 पदों के अतिरिक्त अभी भी शेष 849 पद के सृजन की स्वीकृति मिली है। तो लगभग 1,000 मान के चलेंगे, क्योंकि अभी देखिए तो रोस्टर ये तैयार होकर आएगा यातायात पुलिस विभाग से यहां से, और इसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि वो अपडेट देंगे। तो ये 849 यहां बताया गया है, हो सकता है कि ये संख्या अभी आपकी बढ़ जाए, क्योंकि कुछ बैकलॉग्स भी वैकेंसीज होती हैं जहां पे लोग रिटायर्ड होते हैं, वहां पे सीटें खाली रहती हैं, तो वैसी भी सीटों की संख्या यहां पे बढ़ने की चांसेस हैं। तो 849 पद सृजित करने की स्वीकृति दे दी गई है, ये कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और इसके पहले से भी जहां पे बोला गया है कि स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण जो है करने की स्वीकृति दी गई है, यानी कि थाने भी बनेंगे, यातायात थाना बनेगा और यातायात थाना के अलावा यातायात के पुलिस कर्मियों को भी नियुक्ति यहां पे की जाएगी। यही खबर जो है आप लोगों को बता दे कि देखिए जो अपडेट किया गया है आज के दैनिक खबरों में भी अपडेट किया गया है, जो कि दैनिक जागरण से ये न्यूज अपडेट निकल कर आया है, जहां पर बताया गया है इस चीज को लेकर कि 28 जिलों में नए यातायात थाना खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है, जिनमें से अभी देखिए 12 जिलों में जो है ना यहाँ पे आपका कार्यरत है, जैसा कि नोटिफिकेशन कहता है आपका। और यहाँ पे पहले से जो थाने हैं पूर्व में सृजित 12 ट्रैफिक थानों के अतिरिक्त होंगे। और डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया यहाँ पर कि नए यातायात थाने में 2,00,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र, जहां पे भी 2,00,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, उन जिलों में, उन जगहों पे जो है यातायात थाना बनाने का निर्माण करवाया जाए। 23 जिलों और अगर देखें तो 2,00,000 से कम आबादी वाले 5 जिलों में बनाए जाएंगे। तो जो ऐसे 5 जिलों का नाम दिया गया है जो कि 2,00,000 से यहाँ पे जनसंख्या कम है, लेकिन उनकी संख्या कम है, बाकी 23 ऐसे जिले हैं, क्योंकि ये 28 जिलों में सारा चीज होगा, तो 23 ऐसा जिला है यहाँ पर जहां पर कि 2,00,000 से जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पे यातायात थाना बनाने का निर्माण चलेगा।
यातायात थानों के सृजन को लेकर संचालन के लिए करीब 849, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना, 849 स्वीकृत पद किए गए हैं। ये कुल पद जो है ना आपके 4215, है ना, पदों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निकाला गया है, जहां पे 2 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है उस जिले की। और आपको बता दें कि अनुपात के पूर्व में सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों की अतिरिक्त होंगे, यानी कि ये 3366 पोस्ट जो है यहाँ पे इसके अतिरिक्त, यानी कि ये भी आपका रिक्ति था लेकिन ये लोग कार्यरत हैं अभी यहाँ पे, है ना, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है आप लोगों का 849 सीटों की संख्या यहाँ पे पदों की संख्या निकाली गई है। अब जो है आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों जिले में पहले से काम कर रहे 3 थाने, गांधी मैदान ट्रैफिक थाना, बाईपास ट्रैफिक थाना और सगुना मोड़ ट्रैफिक थाने का क्षेत्राधिकार नए सिरे से निर्धारित करके प्रस्ताव स्वीकृति किया गया, यानी कि पटना का भी अपडेट दिया गया है। और गया जिला में गया ट्रैफिक थाना और बोधगया में ट्रैफिक थाना क्षेत्राधिकार के पुनर्निर्धारित किया गया है। और भागलपुर नगर निगम में पहले से ट्रैफिक थाना है और शेष 9 नगर क्षेत्रों में जैसे कि मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छपरा और ऐसे ट्रैफिक थाने का कार्य क्षेत्र संपूर्ण किया जाए और यहाँ पर अपडेट दिया गया है, स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये एक पहला अपडेट था इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जल्द ही ये बहाली की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी 849 पदों पे ट्रैफिक पुलिस के लिए। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन अपडेट दिया है यहाँ पे आप लोग के लिए कि बिहार पुलिस कल्याण कोष के माध्यम से पुलिस कर्मी और उनके परिजनों को पढ़ाई को लेकर अब यहाँ पे दुगनी राशि मिलेगी, क्योंकि ये राशि जो है ना पहले भी आपको मिलती थी, है ना, बिहार सरकार जो है पुलिस कर्मियों को देती थी, पर ये अब क्या होगी जी, तो ये दुगनी हो जाएगी। जैसे कि अगर जो भी लोग यहाँ पर बीए या बीकॉम या बीएससी करते हैं तो उनको 3600 रुपये पहले मिलता था, अब 7200 रुपये मिलेगा। एमए या एमकॉम या एमएससी करते थे, ये इनके परिवार में उनके संबंधित होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिता हैं, है ना, तो अपने पुत्र का जो है अगर ये एजुकेशन करवाना चाहते हैं इन सभी विषयों में तो उनको सरकार की तरफ से जो है ये भत्ता मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी छात्र एमकॉम एमएससी या एमए कर रहे हैं उनको यहाँ पे 3600 मिलता था, उनको भी अब 7200 मिलेगा। एमबीबीएस यानी कि मेडिकल कर रहे हैं तो 24000 रुपया मिलता था, अब ये 48000 रुपया आपको मिलेगा अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो, सरकारी विद्यालयों में जाके, महाविद्यालयों में जाके अपना मेडिकल करते हैं तो। एमसीए जो कर रहे हैं उनको अब 24000 मिलेगा, पहले 12000 मिलता था। और एमबीए जो कर रहे हैं उनको पहले 20000 मिलता था, अब उनको 40000 मिलेगा। तो ये है दोस्तों, ये एक नया अपडेट है बिहार के गृह विभाग से, ये भी एक इस एजेंडे में इसको पास किया गया है, यहाँ पे इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये जो विस्तृत जानकारी है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से 24 अगस्त को ये नोटिफिकेशन वहां पे डाला गया है। एक खबर और है बिहार मद निषेध सिपाही भर्ती को लेकर या दरोगा को लेकर अगर देखेंगे तो मद निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग की तरफ से ये अपडेट आया है, चूंकि ये बिहार सरकार का ही अपडेट है। बिहार उत्पाद और सिपाही संवर्ग के सिपाही सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई, है ना, यहाँ देखिएगा कॉन्स्टेबल या फिर एएसआई या फिर एसआई, है ना, ये एसआई अवर निरीक्षक, उत्क्रमित वेतन था इनका जो कि आपका PB1 ग्रेड प्लस 2000 रुपये था, ये अब जो है यहाँ पे आपको ग्रेड वन पे 2800 तथा ग्रेड PB2 प्लस ग्रेड 2 4200 में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि ये 2006 के वैचारिक तथा अपडेटेड था, 2010 में फिर इसको बढ़ाया गया था और ये इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि आपको सैलरी जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब कितना इंक्रीमेंट होगा ये तो भाई पुलिसकर्मी ही बताएंगे, उनके अगले मंथ की सैलरी में ये सारी चीजें जुड़कर अब आएंगी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, इसका भी अपडेट हमें मिल पाया है जो कि हमने आप तक साझा किया है। तो इन सभी चीजों को लेकर ये कैबिनेट का डिसीजन है 19 सितंबर वाला, तो वो भी आप लोग जो है यहाँ से आके जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आके इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप कैबिनेट डिसीजन पे क्लिक करिएगा तो ये देखिएगा आपका 19 सितंबर का ये अपडेट है, इसमें जो है बहुत सारे विभागों में जो है ना आपको सैलरी इंक्रीमेंट की गई है, जिसको लेकर ये सारा डिटेल यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। परिचारी का भी यहाँ पर सैलरी बढ़ाया गया, शिक्षा सेवक का सैलरी बढ़ाया गया है, है ना, दुगना कर दिया गया है शिक्षा सेवक का यहाँ पे। फिर बहुत सारे विभाग है जहाँ पे इनकी सैलरी बढ़ाने की बात कही गई है, शिक्षा विभाग में वैकेंसीज की अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये भी जानकारी जो है आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से, किस किस विभाग में आपकी सैलरी बढ़ी हुई है। तो ये 19 सितंबर का अपडेट है, ये 25 सितंबर का अपडेट है जिसकी बैठक के जरिए जो है ये फैसला लिया गया
कि 849 नए पद सृजित किए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। हम इस वीडियो में आप लोगों को नई वैकेंसी के बारे में अपडेट करने आए थे, जिसकी की मंजूरी यहां पर राज्य सरकार से मिल चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अपडेट दे दिया है और आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके और जल्द ही इसके ऊपर आवाज उठाकर इसकी वैकेंसी को लिया जा सके। जय हिंद।